please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. आधी हकीकत आधा फसाना। हिंदू मान्यताओं में देवी को बलि देने की परंपरा युगों पुरानी है। बहुत से पुराणों, बहुत से शास्त्रों में जानवरों की बलि का जिक्र भी हुआ है। ये परंपरा आज भी देश के कई मंदिरों में देखी जाती है। लेकिन एक मंदिर है जहां इस परंपरा से एक बहुत बड़ा चमत्कार भी जुड़ा है। देवी के उस मंदिर में जानवरों की सांकेतिक बलि होती है, यानी देवी की मूर्ति के सामने जानवरों को लाया जाता है। मंदिर के पुजारी जानवर पर चावल के कुछ दाने फेंकते हैं और उसी पल वो जानवर बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद दोबारा चावल फेंके जाते हैं तो जानवर उठ खड़ा होता है। कहते हैं देवी के उस मंदिर में कोई दिव्य शक्ति है जो सांकेतिक तौर पर जानवरों की बलि लेती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर यह सब कुछ होता कैसे है? सिर्फ इस वजह से आया हूं क्योंकि यहां पे खून का एक बूंद नहीं गिरेगा ये बताया गया है, और कोई हथियार नहीं है, कुछ भी नहीं चलेगा इस जानवर के ऊपर, सिर्फ अक्षत मारा जाएगा। जी हां, इसी अक्षत और फूल से हम बलि देंगे जो है, इसमें माँ बलि ले रही हैं। माँ की शक्ति से ये सब होता है, पर अक्षत मारा जाता है तो बेहोश होकर गिर जाते हैं, इसके बाद फिर खड़े हो जाते हैं। वहाँ देवी का कुछ शक्ति है, मैंने कई बार देखा है और आज भी देखा। हाँ, सब तो कहते हैं कि माँ का चमत्कार है, ऐसा है, मैंने खुद फील किया है। जी हाँ, हर दिन जो है बलि उसी प्रकार की होती है। मानने की चीज नहीं है, कोई बलि आएगा और वो जिंदा चला जाएगा। एक बकरे का देखा, दो बकरे का देखा, ऐसे पांच बकरों का देखने को मिला। 100% में 100% सब चमत्कार है, वो माता का ही असीम कृपा है। पौराणिक काल से मौजूद देवी का एक अद्भुत मंदिर। चमत्कार मंदिर की इमारत में नहीं है, चमत्कार होता है इस मंदिर के अंदर। मुराद पूरी होने के बाद तमाम लोग आते, बलि के लिए जानवर लाते, जानवर को देवी की मूरत के सामने बैठाया जाता है। मंदिर का पुजारी हाथों में फूल और चावल के दाने लेता है। चावल और फूल को जानवर पर रखा जाता है और देखते ही देखते जानवर बेहोश। चंद मिनटों बाद फिर कुछ वैसा ही किया जाता है और जानवर दोबारा जाग उठता है। सिर्फ चावल के दानों से जानवर का बेहोश हो जाना और उसी चावल से दोबारा होश में आ जाना, आखिर ये कैसे मुमकिन है? ये कोई विज्ञान है या वाकई कोई चमत्कार, कोई ट्रिक है या वाकई कोई दैवीय शक्ति? जो भी है आज पता लगाते हैं और चलते हैं चमत्कारों से भरे देवी मुंडेश्वरी के धाम में। वैसे एक तरह से देखा जाए तो जानवरों की ये बलि जायज भी है, न कोई जीव हत्या होती है न आस्था को ठेस लगती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये चमत्कार होता कैसे है? सिर्फ चावल के कुछ दाने फेंकने से जानवर बेहोश कैसे हो सकता है? हमें बताया गया कि ये चमत्कार उस मंदिर में रोज होता है। नवरात्र के दिनों में तो उस मंदिर में बलि चढ़ाने वालों की भारी भीड़ तक जुटती है। शुरुआत में हमें लगा जरूर ये कोई ट्रिक होगी, शायद जानवर की किसी मांसपेशी या नस को कुछ इस तरह दबाया जाता होगा जिससे वो बेहोश हो जाता है। लेकिन जब हम उस मंदिर में पहुंचे, बलि की उस परंपरा को अपनी आंखों से देखा, कैमरे के सामने कई दिन तक पड़ताल की, तो नतीजा देखकर हम भी चौंक पड़े। आप
का एक कतरा भी नहीं बहता, बलि भी चढ़ जाती है और जानवर भी सलामत रहता है। उस धाम से जुड़े लोगों ने कुछ ऐसा ही दावा किया था। कहते हैं जानवर को देवी के चरणों में लेटाकर जब पुजारी चावल और फूल रखते हैं तो जानवर ऐसे शांत हो जाता है मानो उसके प्राण किसी ने हर लिए हों। लेकिन दोबारा चावल और फूल फेंकने से वो ऐसे उछलकर खड़ा हो जाता है जैसे किसी गहरी नींद में था। बोले मात मंडेश्वरी मैया की जय। दावा करने वाले इसे सबसे बड़े चमत्कार का नाम देते हैं जो देवी से जुड़े पौराणिक काल के उस अद्भुत धाम में रोज होता है, सैकड़ों लोगों के सामने होता है। सब उस चमत्कारी शक्ति को देखते हैं और महसूस भी करते हैं। हमें इस दावे पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लिहाजा हमने पहले इंटरनेट से उस मंदिर के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की। बहुत सर्च किया, कहानियां तो बहुत मिली, लेकिन जानवर की जान लिए बगैर बलि के दावे से जुड़ी कोई तस्वीर नहीं मिली। अगर वो मंदिर और वहां का चमत्कार वाकई इतना सच्चा है तो इंटरनेट पर उसकी तस्वीरें क्यों नहीं है? आखिर क्या रहस्य है माता के उस दरबार का? चमत्कार का ये दावा हकीकत है या फसाना? क्या वाकई उस धाम में जानवर की जान लिए बगैर बलि चढ़ाई जाती है? अगर ये होता है तो कैसे होता है? क्या कोई जीव मरने के बाद दोबारा जिंदा हो सकता है, वो भी सिर्फ कुछ सेकंड के फासले पर? आप कहेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक आप कैमूर के इस इलाके में नहीं आए, क्योंकि कैमूर के इस इलाके में एक ऐसा मंदिर है जहां हर रोज, हर दिन और हर बार ऐसा ही होता रहा है। मां मुंडेश्वरी के मंदिर में हर रोज एक जानवर की बलि दी जाती है और कुछ सेकंड के फासले पे वो दोबारा जिंदा हो जाता है। ये कहानी कितनी हकीकत है और कितना फसाना, ये तब तक हम नहीं जान पाएंगे जब तक हम मुंडेश्वरी मंदिर में पहुंच नहीं जाते। और उस रहस्यमय मंदिर तक पहुंचने के लिए हमें दिल्ली से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार के कैमूर जिले में भभुआ के मुंडेश्वरी धाम तक की यात्रा करनी थी। यहां पता चला कि वो मंदिर एक संरक्षित स्मारक है, लिहाजा हमें वहां शूटिंग करने के लिए स्थानीय प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ेगी, जिसके लिए हम कैमूर के जिलाधिकारी के दफ्तर पहुंचे। कैमूर के जिस मुंडेश्वरी मंदिर के चमत्कार को आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उसके बारे में पूरे कैमूर में हर किसी को पता है, लेकिन यदि आप या हम इस मंदिर के बारे में कुछ जानना चाहें तो इंटरनेट पर सिवाय कुछ तस्वीरों के कुछ नहीं मिलेगा। मंदिर के जिस गर्भगृह में वो चमत्कार हर रोज होता है उसका कोई विजुअल आपको नहीं मिलेगा, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उस मंदिर में शूट करने की इजाज़त नहीं मिलती, वीडियोग्राफी की इजाज़त नहीं मिलती। अब हम यहाँ एक बार फिर जो कलेक्ट्रेट है वहाँ पर पहुँचे हुए हैं ताकि सारी जो ज़रूरतें हैं, सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं उसको पूरा किया जा सके और उस मंदिर की तस्वीरों को पहली बार आपके सामने दिखा सकें। थोड़ी पूछताछ और कुछ औपचारिकताओं के बाद परमिशन मिल गई, लेकिन जिलाधिकारी के तौर पर हमें वो पहले शख्स मिले जिन्होंने मुंडेश्वरी धाम के चमत्कार को खुद अपनी आंखों से देखा था। हाँ, मैंने देखा है। मैंने भी जब नया मैं यहाँ आया था डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो पहले इसके महात्म्य के बारे में जानता था, दिमाग में हर वक्त क्वेरी रहती थी। तो मैं एक बार गया मंदिर में तो बोला कि मैं तो कभी देखा नहीं, ये मानने की चीज़ नहीं है, कोई बलि आएगा और वो जिंदा चला जाएगा। एक बकरे का देखा, दो बकरे का देखा, ऐसे पांच बकरों का देखने को मिल गया उस दिन, जब दिमाग में एक ही दिन में। ऐसे में इतने दो वर्षों से हूँ यहाँ पर, जब जाता हूँ तो बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है एक या दो दिख गया। हम तो यहाँ मंदिर में वीडियोग्राफी की अनुमति लेने आए थे, लेकिन खुद जिलाधिकारी से ऐसा बयान सुनकर अंदाजा लग गया कि उस मंदिर में कुछ ना कुछ खास तो जरूर है। भभुआ से आगे बढ़ते ही कैमूर की पहाड़ियां नजर आने लगी, जिनसे जुड़ी मुंड राक्षस के वध की कहानी अक्सर सुनने को मिलती रहती। रास्ते में लोगों ने हमें भी सुनाई थी।
अभी मंदिर 2 किलोमीटर दूर था। रास्ता पूछने के लिए जब हमने कुछ लोगों से बात की तो उस मंदिर से जुड़ी आस्था का अंदाजा लग गया। मुंडेश्वरी मंदिर के बारे में हम लोग दिल्ली से आए हैं और हम लोग सुने कि वहाँ बहुत चमत्कार होता है, कुछ होता है क्या? जी, माँ के यहाँ बहुत बड़ा चमत्कार है, बकरा जिंदा बलि लेती है। यहाँ कुछ नया सुनने को नहीं मिला, लेकिन जैसे ही हमने चमत्कार पर सवाल खड़े किए लोग बुरी तरह बिगड़ गए। तो कैसे हो सकता है ऐसा? वहाँ पे हो सकता है अक्षत में कुछ रहता हो, फूल में कुछ रहता हो। उसमें फूल में कुछ नहीं है ना, अक्षत में कुछ है। सर नहीं विश्वास है तो जाके देख लीजिए, और उसके बाद में मैं किताब में मतलब किताब में लिखा हुआ है उसको पढ़ लीजिए, पूरा एकदम लिखा हुआ है वहाँ, सब कुछ लिखा हुआ है। जी जी, किताब में लिखा हुआ है। किताब दीजिए जी, देखिए सर इसमें सब पूरा लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये मुंडेश्वरी से रिलेटेड एक किताब भी हमें दी गई है, कहा गया हम जाके वहाँ देख सकते हैं। तो अब हम खुद चलते हैं और देखते हैं कि मुंडेश्वरी मंदिर का सच क्या है। चंद मिनट के सफर के बाद मुंडेश्वरी धाम का मुख्य द्वार हमारे सामने था। अब यहां से इस बात का ख्याल रखना था कि हमारी वजह से इस मंदिर को कोई नुकसान ना हो। इसी शर्त पर हमें कैमरा अंदर ले जाने की इजाजत मिली थी। कुछ लोग बकरियों के साथ नीचे उतरते हुए दिखे, शायद ये उसी खास तरह की बलि की परंपरा को निभाकर लौट रहे थे जिसके बारे में दावा किया जाता है। खैर, अब थोड़ी ही देर बाद दावे से जुड़ी हर तस्वीर साफ होने वाली थी। तो मुंडेश्वरी मंदिर के मेन गेट से अब हम ये सीढ़ियां चढ़ के मुंडेश्वरी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। ये जो सीढ़ियां आप देख रहे हैं या फिर जो ऊपर शेड लगा हुआ है, इन्हें काफ़ी हाल में बनाया गया है। कुछ साल पहले या कुछ दशक पहले इन्हें बनाया गया है, लेकिन ये मंदिर करीब 1900 साल से है। और यदि आप यहाँ आस पास देखेंगे, कैमूर की जो पहाड़ियाँ हैं, ये बिल्कुल इस तरह का उबड़ खाबड़ रास्ता है कि यहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। लेकिन फिर भी ये सवाल उठता है कि आखिर 1900 साल से लगातार जिस मंदिर में पूजा की जा रही है, वहाँ पे आखिर कौन सा चमत्कार होता है, कौन सी तंत्र विद्या है, आखिर वो कौन सा रहस्य है जिसे देखने के लिए, महसूस करने के लिए और समझने के लिए लोग इतने साल से लगातार यहाँ आ रहे हैं। ज़्यादा दूरी रही नहीं है, हम बस मुंडेश्वरी मंदिर पहुँचने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं मुंडेश्वरी मंदिर में होता क्या है। हम उस मुंडेश्वरी धाम में पहुंचने वाले थे जहां बिना प्राण लिए जानवर की बलि चढ़ाने का दावा किया जाता है। माता के चरणों में लेटते ही जानवर बेहोश हो जाता है, फिर कुछ मिनट के बाद होश में आ जाता है। कहते हैं बेहोशी के दौरान ही देवी सांकेतिक बलि ले लेती हैं। क्या ऐसा हो सकता है? शायद आज सैकड़ों साल पुराने रहस्य पर से पर्दा उठने वाला था। आधी हकीकत आधा फसाना। मुंडेश्वरी धाम में हमने जिससे पूछा बस यही जवाब मिला कि चावल फेंकते ही जानवर बेहोश नहीं होता, बल्कि कुछ देर के लिए उसके प्राण चले जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद देवी खुद उस जानवर में जान फूंक देती। सुनकर यकीन नहीं हो रहा था, विज्ञान के सिद्धांत भी इस बात की गवाही नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसे ही हमने बलि की वो परंपरा देखी हम भी लाजवाब रह गए। देवी के जिस चमत्कारी धाम की तलाश में हमने 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय किया था, अब वो हमारी आंखों के सामने था। मुंडेश्वरी धाम का नजारा अद्भुत था। देखने से ही ये पौराणिक काल का कोई देवालय लग रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा हैरत में डालता है मंदिर का अष्टकोणीय आकार। मुंडेश्वरी
मुंडेश्वरी के बारे में हमने अब तक जितनी भी कहानियां सुनी थी, हमें अब बताया गया है कि उससे कहीं ज़्यादा चीज़ें यहां पे मिलेंगी। इस मंदिर में हमने अब तक जो कुछ भी इसके बारे में सुना था उससे काफ़ी कुछ ज़्यादा हमें देखने को मिलेगा। और सबसे पहली चीज़ जो मुझे नज़र आई है वो ये मंदिर है। ऐसे ये मुंडेश्वरी मंदिर जो है, मैं पहली बार आ रहा हूँ, पर मुंडेश्वरी मंदिर की तरह कोई मंदिर मैंने नहीं देखा। ये पूरे मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो ऑक्टागोनल शेप का है, 8 कोण है इसके, इस मंदिर के, ऐसा मंदिर दिखता नहीं है। और इसका जो शिखर है, किसी भी हिंदू मंदिर में आप जाएंगे तो वहाँ एक शिखर होता है, वो शिखर मिसिंग है। हमें बताया गया है कि हमें कई ऐसी चीज़ें मिलेंगी, कई ऐसी चीज़ें हमें जानने को मंदिर के बारे में मिलेंगी जो हमने कभी नहीं पढ़ा, कभी नहीं देखा और कभी नहीं सुना। यहां आने वाले हर शख्स की जबान पर माता की आस्था में डूबी चमत्कार की कहानियां थी। हम लगातार जानवर लेकर आए किसी शख्स को तलाश रहे थे ताकि जिंदा बलि के उस चमत्कार को हम भी देख सकें। फिर हमने सोचा कि क्यों ना मंदिर के अंदर चलकर देखा जाए, शायद वहीं कोई मिल जाए। धाम के गर्भगृह में देवी की एक अद्भुत प्रतिमा थी। मूर्ति काले पत्थर से बनी थी और बलि के चमत्कार की कहानी इसी प्रतिमा से जुड़ती है। गर्भगृह के ठीक बीच में पंचमुखी शिवलिंग भी था जिसे बेहद प्राचीन माना जाता है। देश में पंचमुखी शिवलिंग वाले बहुत कम ही मंदिर हैं, उनमें एक ये धाम भी है। इस शिवलिंग के बारे में एक खास बात हमें बाहर किसी ने बताई थी। कलर चेंज होता है उनका, जो माँ मुंडेश्वर का जो शिवलिंग है तो उसका मतलब रंग जो है वो टाइम के हिसाब से, टाइम टू टाइम, जैसे सुबह में आप कुछ और होगा, दोपहर का कुछ और होगा, फिर संध्या का कुछ और, रात्रि का कुछ और, अलग अलग। हमें आश्चर्य जिस बात पर हुआ है वो इस दावे के बाद कि इस मूर्ति का रंग मंदिर में 5 बार बदलता है। हम 5 बार तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिलहाल सुबह 7 बजे के आसपास का वक्त है जब हम मंदिर परिसर में पहुंचे हैं। और जैसा हमें बताया गया है कि मंदिर में एक ब्लैकिश टोन होगा इस पूरी मूर्ति का, और आपको वो नज़र आ रहा होगा, ये ब्लैकिश टोन है मंदिर में इस महामंडलेश्वर शिवलिंग का। और जैसे जैसे दोपहर होगा ये चेंज होता जाएगा। दोपहर होने के इंतजार में और जानवर लिए किसी भक्त की तलाश में हम गर्भगृह से बाहर निकले। दोपहर को हम फिर मंडलेश्वर शिवलिंग की तरफ बढ़े। अंदर पहुंचे तो शिवलिंग का रंग बदला हुआ था और शाम ढलते ही शिवलिंग पूरी तरह काले रंग का हो गया। तीनों समय की तस्वीरों को एक साथ देखकर फर्क को समझा जा सकता है। तीन वक्त पर शिवलिंग का रंग तीन तरह का नजर आ रहा था। गर्भगृह में चारों तरफ से धूप आती है, पत्थर सदियों पुराने हैं, हो सकता है ये उसका ही असर। लेकिन हमारी दिलचस्पी इस शिवलिंग के बदलते रंग में नहीं बल्कि ये जानने में थी कि मुंडेश्वरी मंदिर में जानवर की जान लिए बगैर बलि कैसे चढ़ाई जाती है। बोले मुंडेश्वरी, कैसे चावल के कुछ दानों से जानवर बेहोश हो जाता है और फिर कुछ देर बाद होश में आ जाता है। पड़ताल का पहला दिन बीत गया लेकिन हमें बलि चढ़ाने वाला कोई शख्स नहीं मिला, जिसके लिए अब हमें अगले दिन का इंतजार था। अगले दिन जब मंदिर पहुंचे तो पुजारी ने बताया कि आज बहुत सारे भक्त जानवरों के साथ पहुंचे हैं। ये सारे लोग मंदिर की परंपरा के मुताबिक अपनी मन्नत पूरी होने के बाद जानवर की बलि चढ़ाने आए थे।
लेकिन दावे के मुताबिक इनमें एक भी जानवर की जान नहीं जाएगी, ये सही सलामत वापस भी जाएंगे। बकरा बेहोश होके गिर जाता है, माँ उसकी शक्ति खींच लेती है अपनी शक्ति से, और कुछ देर बाद फिर दोबारा अक्षत मारते हैं तो माँ की शक्ति इनको देती है, तो फिर बकरा उठ के तैयार हो जाता है। माँ की शक्ति से ये सब होता है, पर अक्षत मारा जाता है तो बेहोश होकर गिर जाते हैं, इसके बाद फिर खड़े हो जाते हैं। इन सब बातों पर विश्वास करना मुश्किल था। खैर, थोड़ी ही देर में वो सारी तस्वीर सामने आने वाली थी। जानवरों को बलि के लिए तैयार किया जाने लगा। सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा बलि से पहले किया जाता है। पूजा पाठ के बाद लोग जानवरों को लेकर गर्भगृह की तरफ बढ़े। धाम के गर्भगृह में भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी और थोड़ी ही देर में जिंदा बलि की प्रक्रिया शुरू होने वाली थी। हमने एक बार फिर पुजारी से पूछा तो बताया गया कि आज भी धाम में वही होगा जो सैकड़ों सालों से होता आ रहा है। हे मां मुंडेश्वरी, माता जी का ही शक्ति है, चमत्कार है। इम्हाने हम लोग मंत्र पढ़ते हैं, अने अक्षत पढ़ करके देते हैं कि खसी बेहोश हो जाता है। ये तो इनका कृपा है, यहाँ ला करके लुटा दिया जाता है, खस्सी मूर्छित हो जाता है चावल छोड़ देने। तो हर दिन हर बार जितने खस्सी आती है सबके साथ ये होता है, जितने जानवर आएंगे सबके साथ होगा? सबके साथ होंगे। जिंदा बलि के लिए पहला जानवर पुजारी को सौंपा गया। पुजारी के हाथों में पहुंचते ही जानवर के शरीर में हरकत तेज हो गई, लेकिन जैसे ही उसे देवी के चरणों में रखा गया वो एकदम से शांत हो गया। फिर पुजारी ने जानवर की गर्दन पर अक्षत और फूल रखा। जो जानवर थोड़ी देर पहले तेजी से मचल रहा था वो अब पूरी तरह शांत हो चुका था। कुछ देर बाद उसकी आंखें भी बंद हो गईं। बस माता जी का कृपा है, यहाँ पे बकरा को जो है सुला दिए, अपने आप में जो है बकरा मूर्छित हो गया, पुष्प कमल रखे जो है बकरा जो है मूर्छित हो पड़ा। तो मतलब ये माता जी ने बलि को स्वीकार कर लिया, आप कह रहे हैं? जी जी, माता जी अपने आप में ही स्वीकार करती है। इन दोनों तस्वीरों में फर्क को समझा जा सकता है। पहले जानवर की क्या हालत थी और अक्षत और फूल लगाते ही वो किस हालत में पहुंच गया। फिर पुजारी ने शांत पड़े जानवर पर जैसे ही दोबारा चावल और फूल फेंका, ये अद्भुत था, विश्वास करना मुश्किल था। ये कैसे हो सकता है? ये हकीकत थी या आंखों का कोई धोखा? ये सब कुछ दावे के मुताबिक ही हो रहा था, लेकिन कैसे? क्या वाकई इस धाम में कोई चमत्कार है या बात कुछ और ही थी? सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा था। हमारे सामने ही जानवरों को लाया गया, हमारे सामने ही उन पर चावल के दाने फेंके गए, हमारे ही सामने ही वो जानवर बेहोश हुए और हमारे सामने ही दोबारा जिंदा भी हो गए। मंदिर में जो कुछ भी हो रहा था हमारी समझ से बहुत दूर था, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। हमने हर घटना को वैज्ञानिक नजरिए से देखना शुरू किया। वो फूल, वो चावल जिन्हें जानवर पर फेंका जा रहा था, वो चबूतरा जिस पर जानवरों को लिटाया जा रहा था, हमने इस कहानी से जुड़े हर पहलू को खंगालना शुरू कर दिया। सब कुछ आंखों के सामने हुआ था, फिर भी विश्वास करना मुश्किल था। ये वही जानवर था जिसकी कुछ देर पहले अंदर मंदिर में बलि दी गई थी। मह
महज 2 मिनट पहले जो जानवर गर्भगृह में देवी की मूर्ति के नीचे बेजान हालत में पड़ा था, अब बाहर आराम से घूम रहा था। लोगों के मुताबिक ये जानवर मरकर जिंदा हुआ है, जिसे चमत्कार का नाम दिया जाता है, लेकिन हम इसे चमत्कार नहीं मानते। लेकिन ये हुआ कैसे, ये समझ में नहीं आ रहा था। हमने बलि के तरीके को गौर से देखा, फिर हमारा ध्यान उन चावल के दानों और फूल पर गया जिनके फेंकते ही जानवर बेहोश हो रहे थे। पुजारी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो फूल है और या जो अक्षत आप चढ़ाते हैं उसमें कोई ऐसी चीज है जो कि यहाँ पे जानवर को मारते वो मूर्छित हो जाता है? ऐसा कोई चीज नहीं है सर, माँ स्वतः जिंदा बलि लेती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है फूल में और वो उसमें? ऐसा कुछ नहीं है, जो भी है भगवती के आशीर्वाद से जो है अक्षत फूल मारा जाता है और माँ स्वतः जिंदा बलि ले लेती है। तो अभी यदि मैं आपसे वही फूल और वही अक्षत थोड़ी देर के लिए मांगू और मैं यदि उसे देखना चाहूँ कि क्या है, तो आप मुझे दे सकते हैं वो? बिल्कुल दे सकते हैं अक्षत। गेंदे के फूल से जो महक आती है बिल्कुल ये वही है, और पिछले 30-40 सेकेंड हो गए होंगे जब मैं इसे बार बार अपने नाक के पास ले जा रहा हूँ। मुझे इसमें कोई फाउल प्ले अब तक नज़र नहीं आ रहा है। थोड़ा सा मैं वेट भी कर रहा हूँ, जब तक आपसे बात कर रहा हूँ तब तक मैं वेट भी कर रहा हूँ कि कहीं इसका कोई असर हो जाए। चावल जैसा मैंने आपको पहले बताया कि यदि आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये बिल्कुल नॉर्मल जो चावल जो अक्षत के लिए चढ़ता है, जो चंदन जिसमें लगाते हैं, वो दाने हैं। और ये वो फूल है जो आपने देखा कि माता के चरण के बिल्कुल पास से उठाया गया है। और जैसा यहाँ दावा किया जा रहा है कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये माता का प्रसाद है जो माता के का नाम लेकर के उठाया जाता है, चढ़ाया जाता है जानवर पर, और उसके बाद ये पूरा चमत्कार यहाँ देखने को मिलता है। फूल और चावल में कुछ नहीं मिला, फिर जानवरों की बेहोशी का राज क्या था? इस जवाब के लिए अगली जिंदा बलि को और गौर से देखना था। पिछली बार की तरह इस बार भी देवी की प्रतिमा के नीचे लिटाते ही जानवर शांत हो गया। गर्दन पर फूल रखते ही हरकत पूरी तरह बंद हो गई। सेकंड तक शांत लेटे रहने के बाद पुजारी के फूल फेंकते ही जानवर एकदम से उछल कर खड़ा हो गया। बोले मातमंडेश्वरी मैया की जय। कहते हैं बिना प्राण लिए जानवर की बलि लेने का चमत्कार केवल इसी मंदिर के अंदर होता है, और देवी की कृपा से वो अद्भुत शक्ति पुजारियों के हाथों में। फिर हमने कुछ और करने का सोचा। मैं यदि कहूं कि मैं खुद अक्षत डालता हूं, ये दोबारा जिंदा होता है, तो होगा क्या? ये सिर्फ आप करेंगे? नहीं होगा। जब आप करेंगे तभी तो मैं ऐसा कर सकता हूं क्या? अभी आप मुझे अक्षत दे सकते हैं, मैं एक बार मार के देखूं ये ठीक हो रहा है कि नहीं? इस बार जानवर पर अक्षत पुजारी ने नहीं, हमने फेंका, लेकिन कोई हरकत नहीं हुई। लेकिन इसी काम को जब पुजारी ने किया तो एक के बाद एक हम ऐसी घटनाओं के साक्षी बन रहे थे जिन पर विश्वास करना मुश्किल था, लेकिन हमने अब भी हार नहीं मानी थी। अब हम उस जगह पे जा रहे हैं जहां बलि दी जाती है। जब बलि दी जाएगी तब हमें यहां आने की इजाजत नहीं होगी, लेकिन मैं आपको यहां पे दिखाऊं कि ये वो जगह है, ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पे बलि दी जाती है। मैं अंदर इसलिए आया क्योंकि मैं ये सोच रहा था कि कहीं ये इस जगह पे कोई सफोकेशन तो नहीं होता, सांस लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आती, इसलिए मैं आया हूं और थोड़ी देर तक बैठ रहा हूं, देख रहा हूं। थोड़ी जो पूरी जगह को मैं डिस्क्राइब करूं तो थोड़ा छोटा है,
हमारे जैसे आदमी को यदि यहाँ लेटाया जाए, कुछ इंसानों को लेटाया जाए तो सफोकेशन हो सकता है, लेकिन किसी जानवर के लिए बिल्कुल 2 सेकंड में सफोकेट हो जाए वो, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगरबत्तियाँ जल रही हैं, दिए जलाए जाते होंगे, जो फूलों की खुशबू है वो है, जो गंगा जल है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे कि आप अचानक से अनकॉन्शियस हो जाए, ऐसा कोई केमिकल मुझे नज़र नहीं आ रहा है और ये प्लेटफॉर्म भी बिल्कुल नॉर्मल नज़र आ रहा है। जब सब कुछ सामान्य था तो इस जगह का राज क्या था? अब दिन की आखिरी बलि का वक्त आ गया था, हमारे लिए भी ये अंतिम मौका था। इस बार मूर्ति के पास से उठाने के बजाय पुजारी को चावल और फूल हमने अपने हाथ से दिए, लेकिन इस बार भी कोई फर्क नहीं पड़ा। हर बार की तरह इस बार भी हम लाजवाब थे। हमारा हर दांव खाली जा चुका था। फिर हमने सोचा कि इस चमत्कार को हम खुद आजमाएंगे। तो मुंडेश्वरी मंदिर के अंदर हमें जो कुछ भी देखना था वो हम देख तो चुके हैं, लेकिन जो हम समझना चाहते थे वो अब तक समझ नहीं पाए। इस पूरी प्रक्रिया को हमने देखा, आपको भी दिखाया, लेकिन अब हम चाहते हैं कि खुद इस प्रक्रिया का हिस्सा बने, जो कुछ भी हुआ है उसे अब खुद आजमाएं। तो मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ हैं। हमने ये फैसला किया है कि अब हम भी एक बकरा लें और ये कोशिश करें इस बलि की पूरी प्रक्रिया को पूरा करने का। पंडित जी, यदि हम चाहें कि एक यहाँ पे बलि के लिए जानवर लें और मंदिर में जाएं, तो क्या इसकी इजाज़त मिलेगी हमें भी? जी नहीं, इजाज़त मिल सकती है। इसलिए नहीं मिल सकती है आपको कि आपका जो मन्नत जो है परिपक्व नहीं है, इसके लिए आप नहीं अंदर जा सकते हैं। जब तक आप मन्नत मांगेंगे माताजी से, तभी आप अंदर प्रवेश कर सकते हैं उस बकरा को लेकर के। नहीं, लेकिन हम लोग तो ये सोच करके आए थे कि हम लोग यहाँ पे एक बकरा लेते हैं और माँ के लिए यदि वो प्रसाद चढ़ाने जैसा है तो हम लोग उसे भी लेकर जाते हैं, जानवर को हम भी लेकर जाएंगे। जी जब आपका मन्नत पूरा होगा तभी तो आप जाएंगे लेकर के ना, मन्नत नहीं पूरा होगा तो कैसे आप जा सकते हैं बगैर इजाज़त को? तो अभी यदि हम लेके जाएंगे, हम अपना बकरा लेकर के जाएंगे, हम अपना जानवर लेके जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा? जी नहीं हो सकता है, क्योंकि आपका जो है मन्नत परिपूर्ण नहीं है, इसके वजह से आप नहीं ले जा सकते। मंदिर की मान्यताओं का हवाला देकर हमें जिंदा बलि देने से रोक दिया गया, लेकिन ये रहस्य अब भी बरकरार था कि यहाँ जानवर कुछ देर बेहोश होकर फिर होश में कैसे आ जाते। क्या वाकई इस धाम में कोई दैवीय शक्ति मौजूद है? ऐसे कुछ सवालों के साथ हमने दिल्ली में एक मशहूर वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट से मुलाकात की। उनको उस धाम और वहां के चमत्कार की सारी कहानी सुनाई। पहली बार में तो एक्सपर्ट ने चमत्कार के दावे को सिरे से खारिज कर दिया। बिलीव एक बिलीव होता है, लेकिन साइंस साइंटिफिक का कोई भी पेपर्स या जर्नल ऐसा मेरे नज़रों से नहीं गुजरा जो कहता हो कि इन जनरल कोई भी गोट फेंट हो जाए। फिर हमने जानवरों की जिंदा बलि की चौंका देने वाली फुटेज दिखाई। इसके बाद जो बात सुनने को मिली उससे हम हैरत में पड़ गए। जब गोट को आप देखेंगे तो कुछ मायोटोनिक गोट्स होते हैं जिनको कंजनाइटल इश्यूज होता है और वो डांटने पे, जोर से बोलने पे भी फेंट हो जाते हैं, लेकिन जो जनरली गोट्स को देखेंगे वो देखने में रोबस्ट लगते हैं, लेकिन उसके हार्ट कमज़ोर तो होते हैं। अगर भीड़ हो, आपकी हैंडलिंग रूड एंड रफ हो एनिमल के साथ, तो उनका हार्ट थोड़ी देर के लिए ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वो नर्वस हो जाए, जिसको नर्वस ब्रेकडाउन कहते हैं। फेंटिंग गोट सिंड्रोम के बारे में हमने कभी नहीं सुना था। इंटरनेट पर उससे जुड़े कुछ वीडियोस देखने को मिले जिनमें हमने देखा कि खतरा महसूस होने पर जानवर खुद को वैसे ही शांत कर ले रहे थे जैसा हमने उस धाम में देखा था। लेकिन ये सिंड्रोम बकरी की एक खास मायोटोनिक ब्रीड में ही पाया जाता है, जिसके भारत में मिलने की संभावना न के बराबर। आई होप किन्हीं ने इन पर अध्ययन किया होगा और मैं भी प्रयास करूंगा कि मैं जाके देखूं। कैमूर में एक सेंचुरी भी है, तो मैं जाके देखूं कि वाकई ऐसा क्यों हो रहा है। वैसे भी फेंटिंग गोट सिंड्रोम की बात उस धाम पर लागू नहीं होती, क्योंकि वहां न तो जानवरों की जान ली जा रही थी
और ना ही उन्हें किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जा रहा था। फिर खतरा किस बात का था? ऐसे में उस धाम में दी जाने वाली जिंदा बलि चमत्कार है या कोई ऐसा विज्ञान जो आम इंसान की समझ से परे है, ये आपको तय करना है। इसे देवी का चमत्कार माने या विज्ञान का एक रहस्य।